दोस्तों आज की ये वीडियो राजस्थान की बालिकाओं के लिए, राजस्थान की महिलाओं के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और खास रहने वाली है। इम्पोर्टेंट क्यों रहने वाली है? क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान की बालिकाओं को, महिलाओं को कुछ निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स है जो बिल्कुल फ्री के अंदर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर RSCIT का कंप्यूटर कोर्स शामिल है, RSCFA का अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्स शामिल है, RSCSEP का यानी कि स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कोर्स भी शामिल है। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना के तहत बिल्कुल निःशुल्क है। तो अब इस निःशुल्क कोर्स के लिए आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, क्या इसकी कंडीशंस है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। तो वैसे तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक आपको यहां पर मिल ही जाएंगे, यहां से भी आप देख सकते हो, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर आप RSCIT का कोर्स करना चाहते हो बिल्कुल फ्री के अंदर इस योजना के तहत, तो इसकी पहली कंडीशन भी वो बालिका या महिला राजस्थान निवासी होना चाहिए। दूसरा, उसकी 10th पास यानी कि 10वीं परीक्षा पास होनी चाहिए और 1 जनवरी 2022 तक उनकी एज 16 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन अगर है तो आप इसके अंदर फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। लेकिन सबमिट करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपके पास जन आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए और उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए जो आपको स्कैन करके रखनी है और जिसका साइज आपको 100 KB से लेके 200 KB के बीच में रखना होगा। इसके अलावा अगर वो महिला या बालिका ग्रेजुएशन है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट भी आपको साथ में अटैच करनी होगी, जिसका साइज भी आपको 100 KB से 200 KB के बीच में स्कैन करके रखना होगा। इसके अलावा अगर वो महिला गवर्नमेंट एम्प्लॉई यानी कि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कोई साथीन कार्यकर्ता है तो उसका प्रूफ भी उनको साथ में लगाना पड़ेगा, जिसका साइज उनको 100 KB से 200 KB के बीच में स्कैन करते वक्त रखना पड़ेगा। इसके अलावा महिला या बालिका किसी SC या ST की कैटेगरी से है तो उनको अपना जाति प्रमाण पत्र भी साथ में लगाना पड़ेगा। ये केवल SC और ST स्टूडेंट्स के लिए है। अगर कोई जनरल महिला या कोई OBC महिला अगर इसके अंदर फॉर्म में अप्लाई करती है तो उनको जाति प्रमाण पत्र साथ में लगाने की जरूरत नहीं है। और एक उनको सिग्नेचर, जो वो फॉर्म पे सिग्नेचर करते हैं उस सिग्नेचर को भी स्कैन करना पड़ेगा, जिसका साइज 3 KB से लेके 50 KB के बीच में रखना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म सबमिट करने से पहले आपके पास होने चाहिए, ताकि जब हम फॉर्म सबमिट करें तो हमें बाद में कोई दिक्कत ना आए। अगर साइज इससे कम होगा या ज्यादा होगा तो वो अटैच करने में दिक्कत आएगी। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको ये अप्लाई किस प्रकार से करना है, फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना होगा। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा राजस्थान की महिलाओं की बालिकाओं के ग्रुप के अंदर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार आगे भी मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, myrkcl.com/wcdindex.php पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद में आपको स्टार्ट न्यू, ये रिट्राइव माई एप्लीकेशन, डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहां पर आपको स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करना है। तो अब हमें यहां पर इंटर जन आधार नंबर पूछ रहे हैं, तो अब हमें यहां पर जन आधार नंबर यहां पर टाइप करना है और उसके बाद में कैप्चा कोड। तो मैं जन आधार नंबर मेरा यहां पर करता हूं टाइप में, और उसके बाद में कैप्चा कोड। कैप्चा आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, नहीं तो ये आगे गेट डिटेल्स पर क्लिक नहीं करेगा। हम गेट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में जो भी हमारे इस जन आधार में मेंबर्स एक्टिव हैं उन सभी की डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो दिए गए जन आधार संख्या में पंजीकृत संख्या का विवरण, तो ये डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी और इसके अंदर हमारे इस जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स की डिटेल यहां पर आ जाएगी। अब इस मेंबर्स के अंदर हमें उस मेंबर्स को सिलेक्ट करना है जिसका हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो कंफर्म पर क्लिक करेंगे और यस कंफर्म पर क्लिक कर देंगे।
तो जैसे हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे ओटीपी के लिए पूछेगा, तो ये हमारा अब एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जा चुका है। अब यहां पर हम डालने वाले इसका ओटीपी नंबर, ओटीपी के डालने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो डिटेल वेरीफाइड, तो कंग्रेचुलेशन ये सक्सेसफुली वेरीफाइड का मैसेज आ जाएगा और विद इन 5 सेकंड के लिए वापस हम उस बैक विंडो पर आ जाएंगे। अब यहां पर हमारे से ये उस 3 कोर्स के लिए डिटेल पूछेगा, आरसीईटी के लिए, आरसीएफई के लिए और आरसीएसईपी के लिए। तो अब हमें अप्लाई करना है आरसीईटी के लिए, तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन कंफर्मेशन के लिए बोल रहे हैं, तो हम इसके लिए यस पर क्लिक करेंगे। तो यस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ हमारी आईटीजी की डिटेल्स खुलेगी। तो सबसे पहले हमें स्टेट या डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम तहसील को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको ये 2 आईटीजी के पूछेगा कि कौन से सेंटर से करना चाहते हो। तो एक स्मार्ट कंप्यूटर मैंने कर दिया और दूसरा आप अपना दूसरा सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद में ये सारी डिटेल्स आईटीजी की आपके सामने आ जाएगी। तो सारी डिटेल आने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा हमारे पास में क्लिक हियर कंफर्म आईटीजी डिटेल, इस पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद के अंदर उस स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स यहां पर ओपन हो जाएगी और यहां पर वही फोटो आएगी जो आपने जन आधार में अपडेट करा रखी है। तो ये जन आधार के अकॉर्डिंग सारा का सारा डाटा आपका अपडेट हो जाएगा और इसके अंदर सभी फील्ड के अंदर ईमेल आईडी को छोड़कर सारी डिटेल्स आपको भरने कंपलसरी है। तो ये पर्सनल डिटेल्स के अंदर पूरा पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये मैंने ब्लर सिक्योरिटी की वजह से इसको करके रखा हुआ है, तो आपके सामने पूरी पिक्चर की डिटेल आ जाएगी। और उसके बाद के अंदर आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको देना है, आप सेम ही दे सकते हो या इसके अलावा कोई भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ईमेल आईडी आपको भरनी नहीं है। उसके बाद आपको अपना विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट करना है, एरिया टाइप आपको रूरल कर देना अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो। उसके बाद पंचायत समिति से रायसेनगर मैंने सिलेक्ट कर दी, उसके बाद ग्राम पंचायत जो भी आपकी ग्राम पंचायत है वो आपको सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद में आपका गांव उस पंचायत में कौन सा है तो वो सिलेक्ट करना है। तो मैंने इस गांव को सिलेक्ट कर दिया, ठाकरी ए को। आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, ए बी कुछ भी हो सकता है तो उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। उसके बाद मीडियम स्टडी हिंदी, और उसके बाद में आपको विक्टिम्स ऑफ वायलेंस के अंदर आपको नो कर देना है, और उसके बाद में फीमेल्स रेजुलेशन के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप ग्रेजुएशन मतलब उसके साथ आंगनबाड़ी वर्कर हो तो आपको आंगनबाड़ी वर्कर पर क्लिक कर देना है, साथीन हो तो साथीन पर, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आपको अदर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद रिलीजियसन आपको हिंदू धर्म आपको हिंदू सिलेक्ट करना है और क्लिक हियर कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो हम क्वालिफिकेशन डिटेल पर आ जाएंगे। और उसके बाद के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर सबसे पहले आपको पूछेगा भी आपने 10th क्लियर करी है, पास करी है, गवर्नमेंट स्कूल से करी है या प्राइवेट से करी है। तो गवर्नमेंट से करी है तो आपको गवर्नमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप प्राइवेट पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन बोर्ड पूछेगा कौन सा बोर्ड है, तो मैं आरबीएससी सिलेक्ट कर रहा हूं यहां पर। और उसके बाद में रोल नंबर जो आपकी मार्कशीट के ऊपर है वो आपको यहां पर 10th क्लास की मार्कशीट वाला रोल नंबर यहां पर लिखने हैं। और लिखने के बाद में आपको सिलेक्ट ऑफ ईयर पासिंग पूछेगा, तो आपको ईयर यहां पर आपको देना है और फाइंड माय डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके परसेंटेज और डिवीजन है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। और उसके बाद में मंथ आपको देना है कौन से मंथ के अंदर आपने इसको पास किया है। और उसके बाद के अंदर अगर आप ग्रेजुएशन हो तो यस करोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट की डिटेल्स के अंदर सबसे पहले आपसे सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट करेगा, तो आपको वो सिग्नेचर जैसा कि मैंने पहले बताया आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। तो सिग्नेचर मैं यहां से अटैच कर देता हूं, तो ये मैंने सिग्नेचर और इसको मैं ओपन पे क्लिक करूंगा। और उसके बाद में 10th क्लास की मार्कशीट के लिए तो यहां से चूज फाइल के अंदर फिर क्लिक करूंगा और मैं 10th क्लास की मार्कशीट जो मैंने स्कैन करी हुई उसको अटैच करूंगा। और जैसे मैं इसको अटैच करूंगा तो अटैच करने के बाद के अंदर बिल्कुल लास्ट के अंदर यहाँ पे क्लिक है टू, उसके बाद सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा, मार्कशीट वगैरह अगर आपने गवर्नमेंट से करी है तो उस कंडीशन में आप 10th क्लास की मार्कशीट सेलेक्ट करोगे। क्लिक है तो कंफर्मेज ऑल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद के अंदर ये सारी चूज आईटीजी की डिटेल आपसे कंफर्म करेगा और उसके बाद में पर्सनल डिटेल्स आपसे आ जाएगी सामने। तो वो पर्सनल डिटेल और आईटीजी के एक बार आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, अगर आपकी सारी डिटेल्स ओके है इसके अंदर, आपने सेंटर बिल्कुल सही सिलेक्ट किए, देन आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने सिक्योरिटी पर्पज से इसको थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है। देन उसके बाद में आपकी एड्रेस की डिटेल ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगी और उसके बाद के अंदर आपने सारी डिक्लेरेशन आप एक बार कंफर्म करेगा, तो सारी डिटेल अगर आपको लगता है ओके है तो देन आप ये डिक्लेरेशन पे सभी 5 टिक के ऊपर आपको क्लिक करना है।
और क्लिक करने के बाद में फाइंड एंड लॉक सबमिट पर क्लिक करना है। तो ये करने के बाद आपसे एक बार श्योरिटी के लिए पूछेगा भी आप इसके बाद एडिटिंग आप इसको कर नहीं सकते, आप सहमत हो तो आप लॉक एंड सबमिट पर क्लिक कर दोगे। तो जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सक्सेसफुली सबमिट का ये मैसेज आ जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन का नंबर भी आ जाएगा, तो वो एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल पे मैसेज भी जाएगा और यहां पर भी आ जाएगा। तो आप इसको फ्यूचर सेव के लिए आप इसको सेव भी कर सकते हो। तो मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूं मेरे रिकॉर्ड के पर्पज से, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे कोई डाउनलोड अगर दोबारा करना पड़े तो मैं यहां से इसको कर सकता हूं। यहां पे मैं पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद में इस विंडो को मैं यहां से कर दूंगा क्लोज। तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं एक बार इसको एप्लीकेशन आईडी को और इस विंडो को क्लोज कर देता हूं। अब क्लोज करने के बाद में सेम वही है, आप चाहो तो आप यहां से भी एप्लीकेशन नंबर को आप कॉपी कर सकते हो। अब इस कॉपी को करने के बाद में क्या करें, एग्जिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और अब हम डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहां से हमारी एप्लीकेशन आईडी पूछेगा और कैप्चा हमें यहां पर देना है। तो जैसे हम कैप्चा देख के डाउनलोड एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे तो वो हमारा जो फॉर्म सबमिट हुआ है उसका पीडीएफ हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद जब हम इस डाउनलोड को ओपन करेंगे तो हमारा फॉर्म के अंदर सब कुछ जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी। तो यहां पर भी मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है सिक्योरिटी के पर्पज से, तो आपके सामने भी इसी तरीके का रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना रिकॉर्ड अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करना, शेयर भी कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर लेना, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो आपको आगे भी लगातार मिलती रहेगी।